ये तस्वीरें हैं उड़ान भरते हौसलों की, ये तस्वीरें हैं कठिनाइयों को काटती पतवारों की, ये तस्वीरें हैं भाइयों के समर्पण की। ये वो तस्वीरें हैं जो फिल्मी सी लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए तस्वीरें असल जिंदगी की हैं, और किरदार उस असल जिंदगी के बड़े पर्दे पर आकर आपसे बार बार कहेंगे कि हौसला क्या होता है वो हमसे सीखिए, संघर्ष क्या होता है वो हमसे जानिए, और भाई होने का फर्ज क्या होता है उसको समझिए। तो चलिए असल जिंदगी में हौसलों की परिभाषा बताने वाले इन किरदारों से आपको मिलाते हैं। ये संजना है। संजना पिथौरागढ़ जिले के चमाली गांव की रहने वाली हैं। संजना इस वक्त 10वीं की परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन संजना चलने फिरने में असमर्थ हैं। भले ही संजना अपने पैरों से चल न सकती हों, लेकिन उसके सपने काफी बड़े हैं। संजना पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हैं। बहन के सपनों को अपने बुलंद हौसलों से पंख देते ये संजना के भाई पारस और आकाश हैं। दरअसल ये पूरी तस्वीरें संजना के सपनों और उसके भाइयों के हौसलों से सुर्खियों में हैं। दोनों भाइयों ने बहन को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए एक डोली बनाई है। इसी डोली में बिठाकर वो संजना को आधा किलोमीटर दूर उसके स्कूल तक ले जाते हैं। हालांकि उनके घर से परीक्षा केंद्र की दूरी 14 किलोमीटर की है, लेकिन केंद्र के पास ही भाई बहनों ने लोधिया गैर में कमरा ले लिया, लेकिन यहां से भी करीब आधा किलोमीटर दूर वो संजना को डोली पर ही बिठाकर ले जाते हैं। मेरा नाम संजना को लिया है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? टीचर। कैसा लग रहा है पेपर दे रहे हैं स्कूल के? अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। आपको स्कूल से घर, घर से स्कूल लाने में कौन मदद करता है आपकी? दादा लोग मदद करते हैं। कैसे, कब से बीमार हुई आप? कब से दिक्कत? 7वां स्कूल गई, फिर उसके बाद। सर संजना पढ़ाई में अच्छी है सर, और मैं इनका पेपर दे रही हूँ, मैं इनकी राइटर हूँ सर, जो जो ये बताती है मैं लिखते जाती हूँ। सर घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए इनकी तरह से, स्कूल आके पेपर दीजिए सर, हारनी वाननी चाहिए। है वो GIC चमाली की छात्रा, रेगुलर छात्रा है वो, और यहाँ पर जो है हाई स्कूल की परीक्षा अभी दे रही है। तो हिंदी के पेपर में हमको पता चला कि बच्ची अपाइज है, थोड़ा दिव्यांग है, और अपर लोअर दोनों हिस्से इसके थोड़ा कार्य नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके लिए अब जो है एक राइटर की व्यवस्था की गई है, और साथ में उसके लिए एक गद्दे की व्यवस्था है जिसे तकिया दिया हुआ है, पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, ये परीक्षा विभाग की तरफ से हमने उपलब्ध करवाई है। और बच्ची को देख के लगता है कि उसके हौसले बुलंद हैं, और आने वाले समय में, भविष्य में बच्ची कुछ न कुछ करके ज़रूर दिखाएगी, हमको आशा है। संजना के पिता गोविंद राजन की 6 साल पहले मौत हो गई थी। संजना की माँ प्राथमिक विद्यालय डुंगरी में भोजन माता हैं। संजना के भाई पारस और बहन सानिया 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं। परिवार की आर्थिकी ठीक नहीं है, ऐसे में परिवार आंखों में कई सपने लिए सरकार की ओर भी टकटकी लगाए हैं। सर जी, सर इसकी जो आर्थिक स्थिति है, घर की इनकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत डाउन है, और ये पहले बचपन में भी थोड़ा बहुत सही थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। तो ये क्या कहते हैं, कक्षा 7 तक का ये चमाली स्कूल की विद्यार्थी थी, और ये जाती थी घर से पैदल ऊपर गांव में। तो उसके बाद 7 से इसकी चलने की स्थिति, जो उसका पाँव में तो दर्द था वो ज़्यादा बढ़ने लगा। इस दौरान उसके बाद ये घर में बैठ गई, और जो इसकी पढ़ाई थी वो घर से ही स्टार्ट थी। और क्या कहते हैं, और ये बहुत अच्छी लड़की है उसकी, और मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि इसकी आर्थिक समस्याओं का, इनकी जो आर्थिक समस्याएँ हैं घर की, और जो इसका इलाज है, मैं इतना चाहूँगा कि इनका निवृत्ति करें, पूर्ति करें। कक्षा 10 के पेपर दे रही है बोर्ड के, सर उसको कई कटने से लाया जा रहा है। हाँ सर, डोली में किसी दिन, डोली में किसी दिन कंधे पर, सर की कटने हो रही है। सर कहते हैं उस पेपर पढ़ने तो होशियार तो है ही, सर उसको बनना है टीचर, सर उसके लिए कुछ मदद किया जाएगी सरकार से, सर ऐसे कह रहा हूँ मैं। और सर कहते हैं उसको पढ़ने में अच्छी भी है, सर उसके लिए सरकार से कुछ कर दिया जाए और अच्छी भी हो जाए, और इसका इलाज भी किया जाए सरकार से, ये कह रहा हूँ सर बस। हाँ बीमारी है बेचारी, पहले तो थोड़ा थोड़ा था, माँ का धन्यवाद हुआ बेचारी ने वहाँ से पहुँचा दिया, स्कूल में इतना तक पहुँचा दिया। हैं गरीब गुरपे है ये भी तो देखा अभी माँ की हिम्मत,
तो देखो बात ही नहीं करना चाहती है, बात नहीं कर पाती है, कमज़ोर है। इसका भी तो पैर टूटा है, किसी ने सहायता थोड़ी की इसकी। अब ये कोई लोग हम लोग इधर उधर से करते हैं तब ये लोग खाना खाते हैं। माँ बेचारी स्कूल में खाना पीना बनाती है ना, उससे गुजारा चलता है। इसका इलाज नहीं हुआ पहले थोड़ा ढंग से, अब ठीक होगी करके कह रहे थे, ठीक तो हुई नहीं बेचारी, ज़्यादा जो बढ़ गई है। कहीं कंधे में रख के कहीं वो करके चमाली स्कूल भेजा इन्होंने, किसी टाइम खर्चा हुआ तो वहाँ भेजा था, ऐसे कर कर के इस हालत में आप लोगों की दवा से यहाँ पहुँच गई है। यहाँ पहुँचने से इसका इलाज पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मदद चाहिए इनको। संजना और उसके भाइयों की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। उनके हौसलों की तारीफ हर कोई कर रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि पहाड़ में पहाड़ जैसी चुनौतियों से लड़ने वाले इस परिवार पर सत्ता में बैठे नीति नियंताओं की भी नजर पड़े और संजना अपने सपनों को सच कर पाए। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।